वसुदेव जेल में पड़े थे, जो उनके आते भेड़िया पड़ी थी, माता भगवती बंदी देवी ने बंदी गृह पर जाकर उनको बंधन से मुक्त किया था, तो इसलिए इसका नाम मैया बंदी देवी रखा गया। और जो कंस के हाथ में कन्या थी, योग माया, कहा था कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, वो योग माया यशोदा मैया की बेटी भगवती बंदी देवी। किसी प्रकार का बंधन होता है, जैसे कोई कर्ज में गिर जाता है, कोई जेल में चला जाता है, कोई किसी के ऊपर कुछ करा देता है या उसके घर परिवार को बंधन में बंधवा देता है, तो माता भगवती उसको बंधन से छुटकारा दिलाती है, जो कि तीनों लोगों को शांति प्रदान करने वाली माता है। जिस समय योग माया ने कहा था कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, तो जब कंस को इतना मालूम हो गया कि मेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, तो कंस ने अपने राक्षस को ऑर्डर दे दिया। तो इधर बंदी देवी ने मैया आनंदी देवी से कह दिया कि बहन देख, मैंने तो देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया, और तू जा गोकुल में जाकर के नंद बाबा के महल पर आनंद कर दे। तब इस मैया ने बधाई दी थी कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की, ये माता भगवती आनंदी देवी ने आनंद प्रदान किया, तो इसलिए इसका नाम आनंदी देवी रखा गया। और ये माता मनोमंशा देवी, ये मनोमंशा देवी जो कि आज भी जो बच्चा जन्म से बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, तो भगवती आज भी उसको सवा महीने के अंदर अंदर ठीक कर देती है। ये मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी माता है, देवकी मैया और यशोदा मैया की जन्म जन्मांतर की मनोकामनाएं पूरी की, और गोपी ग्वालों की मनोकामनाएं पूरी की, जो कि चट्टासुर गया था सबसे पहले, चट्टासुर ने अंग भंग कर दिया था सबको, तब इसी मैया ने उनकी सब गोपी ग्वालों की मनोकामनाएं पूरी की थी। ये कन्हैया जी की कुल माता है, उनका मुंडन संस्कार इसी जगह पर हुआ था, ये वो पावन स्थान है माता रानी का। बोले सच्चे दरबार की जय। राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, हाँ गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय आगे।
ये डालूंगा अष्ट भाव युक्त है हर मूर्ति के अलग अलग भाव है। अष्ट भाव युक्त पुष्प पुष्प है अलग अलग तरह का। प्रसाद है माटी प्रसाद है। भगवान कृष्ण ने माटी खाया, माटी खा करके माता जशोदा को विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ठाकुर जी का नाम ब्रह्मांड बिहारी जी घाट का ब्रह्मांड का ये प्रसाद घर के लिए जाता है, परिवार में बटेगा, सबको खिलाना, चंदन तिलक भी लगाना। घर में कोई बच्चा माटी खाए तो उसको खिलाओ तो माटी खाना छोड़ देगा। बच्चा को नजर वजर लग जाए उसको जटाओ नजर नहीं लगे। कथा भागवत हो, गंगा यमुना जल नहीं है, थोड़ा शुद्ध जल में डालो तो यमुना जल बने, यमुना का फल मिले। तो घर में बड़ा बूढ़ा शरीर छोड़ दे तो थोड़ा मुख में डालो तो मुक्ति हो। ऐसी काम है।